अविश्वसनीय, अद्वितीय, अकल्पनीय, अनोखा, अद्भुत, अतुल्य, अनूठा, अनुपम, अनुपमेय, अपूर्व। सनातन सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता, सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति। ये उड़ीसा का पाप नाशिनी शिव मंदिर है। क्या यह एक वास्तु आश्चर्य नहीं? क्या यह एक वास्तु अजूबा नहीं? क्या यह एक वास्तु अचंभा नहीं? परंतु हमें तो केवल ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किले आदि के बारे में ही बताया गया, पढ़ाया गया। कर्नाटक का बादामी गुफा। 15 फीट ऊंचा यह गुफा मंदिर एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है एवं इसके पिलर्स पर सैकड़ों टन वजनी पत्थरों वाले पहाड़ का भार दिखा है। हमारे इतिहासकारों की माने तो इसे कुदाल और फावड़े की मदद से बनाया गया है, पर लगता है कि अभी हम इतने विकसित नहीं हुए कि हम अपने पूर्वजों की तकनीक को समझ सकें। श्रृंगेरी कर्नाटक का श्री विद्याशंकर मंदिर। ताजमहल तो एक झांकी है, हमारा पूरा देश एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक वास्तु कलाओं से भरा हुआ है। श्री विद्याशंकर मंदिर में 12 स्तंभ हैं, जिस पर सौर चिन्ह बने हुए हैं। हर सुबह जब सूर्य की किरणें यहां प्रवेश करती हैं, तो वर्ष के महीने का संकेत देने वाले एक विशेष स्तंभ से टकराती हैं। है ना ये आश्चर्य? अब चलते हैं राजस्थान के पाली। यहां स्थित विश्वदीप गुरुकुल आश्रम और इस आश्रम में स्थित ओम शिव मंदिर। इस मंदिर की भव्यता व दिव्यता सबको विमुग्ध कर देती है। अब हम स्वदेश से विदेश चलते हैं और वहां देखते हैं सनातन सभ्यता के अवशेष को। अभी हम इंडोनेशिया में हैं। 7 आश्चर्यों से परे इंडोनेशिया के इस क्षेत्र में 141 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 130 अभी भी सक्रिय हैं। इस पहाड़ी पर 2329 मीटर की ऊंचाई पर लावा पत्थरों से बने भगवान गणेश की स्थापना लगभग 700 साल पहले की गई थी और यहां के 48 गांवों के 3,00,000 हिंदुओं का मानना है कि भगवान गणेश उनके रक्षक हैं। अब आइए चलते हैं चित्रदुर्ग कर्नाटक। गीजा का पिरामिड। पीसा की झुकी मीनार के बारे में तो सबने सुना होगा, परंतु कर्नाटक के इस अद्भुत कौशल के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कारण, वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों के ऐसे अविश्वसनीय एवं अकल्पनीय कौशल एवं बलिदान को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने से रोक रखा था। यदि आप सीखना चाहते हैं कि भक्ति क्या है, तो हमारे अनोखे व अनूठे प्राचीन मंदिरों में जाकर पूर्वजों की कारीगरी को देखिए, उनके आश्चर्यजनक कौशल को देखिए। गर्व का अनुभव होगा आपको, और सिर्फ देखिए ही नहीं, इसका प्रचार और प्रसार भी कीजिए। अब इस मंदिर को देखिए, इस अनुपम मंदिर को देखिए। कर्नाटक का ये होयसला मंदिर है। इस मंदिर की प्रत्येक दीवार अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर है। आप देख रहे हैं श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर, जो वेल्लोर तमिलनाडु में है। इस मंदिर के निर्माण में रिकॉर्ड 15,000 किलोग्राम शुद्ध सोने का प्रयोग किया गया है। 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला श्रीपुरम मंदिर 15,000 किलो शुद्ध सोने से बना है। अगर ऊपर से इस मंदिर को देखा जाए
तो श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर स्टार जैसा है, इसे चक्र भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर से भी अधिक है। इस पथ से चलकर मंदिर के बीच में पहुंचा जा सकता है। पथ पर पथिक विभिन्न आध्यात्मिक संदेशों, वेद शास्त्रों के वचनों को अंकित देख सकते हैं। इस स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन 1,00,000 से ज्यादा भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। हमारा अतुल्य, हमारा अद्भुत, हमारा अद्वितीय, हमारा गौरवशाली भारत। खिद्रपुर महाराष्ट्र का है ये कोपेश्वर मंदिर। शिल्प शास्त्र के अनुसार संभवतः यह महाराष्ट्र का समृद्धतम मंदिर है और भारत का गौरव। जो पत्थर इस मंदिर में प्रयोग किए गए हैं वे हार्ड बेसाल्ट रॉक हैं, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। खंडित मूर्तियां आज भी देखी जा सकती हैं। मूर्तियों के चेहरे, हाथ अधिकांशतः टूटे हुए हैं और हथियार भी, पर शानदार है यह मंदिर, विस्मयकारी है यह मंदिर, भारत का गौरव है यह मंदिर। ये देखिए, यह है तमिलनाडु के थिरुमायम फोर्ट का शिव मंदिर। जब दुनिया पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीख रही थी, तब हमारे पूर्वज पहाड़ों को काटकर देवों के देव महादेव को अपनी अदम्य भक्ति का सबूत दे रहे थे। ग्राफिक्स नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, मशीन भी नहीं, फिर भी सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कई फीट ऊंचे मंदिरों के भीतरी छतों में ऐसी नक्काशियां की जो आज के तथाकथित आधुनिक अभियंताओं को भी शर्मिंदा कर देती हैं। कई इतिहासकार, विशेष तौर से वामपंथी इतिहासकार, हमारी विरासतों का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके आर्किटेक्चर को मैच नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं मैसूर का अद्भुत चमराजेश्वर मंदिर। गर्व कीजिए अपनी समृद्ध सनातन सभ्यता पर, अपनी समृद्ध सनातन संस्कृति पर।